सैन वंशी है सैन वंशी तेरह शताब्दी भाग पैला को इतिहास हो यह दरबार उदौटी खाल्टो कारागार जेल हजार उदौटी सामने ढोका देखियो तो आपातकाल द्वार मुगल सब यही दरबार में मुगल सब अटैक कर ले तो मुगल सब ही हार गए से हार गए बंदूक संदूक सब हार के से चल गए तब अंग्रेजों अले अले शासन कर के लगे कहल जाए है ठाव में बंगाल के नवाब के खेत सब जोती है आदमी सब देखिए आता सब कुच्चो वाला झाड़ू बन भी है गाछी के चीज अहाँ सब देखिए नजारा क्या मस्त यार देखो क्या मस्त है इत हाइट हेलो साथी एगो नया सी ब्लॉक में अहाँ सबके स्वागत करी छी ताय हमरा सबके ब्लॉक होय वाला है मकपानपुर गढ़ी जे पृथ्वी नारायण शाह के ससुराली छले जे 15-5 साल पुराना अहाँ के ओइला की इतिहास है आय अहाँ सबके उची देखबे देखायब आ देखियो ओइला देखियो रात में हम सब नदी में माछ मारी जाए छी प्यौन माछ लाब तो चलू अते बनल रहू आ चलू अगाड़ी 10 बजे के बाद अहाँ से देखबी छी मकपानपुर गड्डी साथी सब हम सब जाए छी मकपानपुर गड्डी इहे रास्ता होत देखो हमरा सबके अल से 1 घंटा लगते अभी हम डुमरी कोना ठाव है अल से 1 घंटा बाद ही जाए पड़ते मकपानपुर गड्डी जे पृथ्वी नारायण शाह के ससुराली छले चलू अल के हालत देखबी छी और ठाव में केहन गाँव सब शादी सब गड्डी देखा है वो ऊंचका ये ऊंचका सीधे गड्डी पहाड़ है गड्डी जाए वाला रास्ता हमारा सबके नदी टपके ऊंचाई पर चढ़ के अब अल से 1 घंटा हमरा सबके लगते जाए में माथी चढ़ के लगी अलग के नजारा देखिए क्या मस्त है हमरा सबके काम चली वही साइड में ठक्के साइड में देखिए अलग केहन डारा सब है गाँव के एगो ब्लॉक एगो नया चीज है गाँव के अहाँ सबके चली हवा सरकारी बस है लगे सरकारी दे देखो पानी में कति हिल मच है देखा या कता गल पानपुर गड्डी के एगो छोटा सा बाजार देखो चारों भर से पहाड़ बीच में वो समतल भूभाग वाले बाजार है छोटका सा लागल अलग एहने है आदमी सबके बास रहन सहन सब चीज एहने हुई ऊपर माथी माथी गाँव सब है अल बेसी आदमी सब ये नदी देखा नदी में से ढूंगा लै है फोरी है और ओकरे बेची है एक सबकी है खेती में अहाँ सबके अलग हुई है सरसों एने सब सब चीज हुई ओला खेती में हरेक चीज हुई अल सब इस समय विशेष अहाँ सबके एरिया में बावन है खटियोडा जाति सब है ज़्यादा राय है लिंबू है यह जाति सबके बसवास है ज़्यादा इधर अई ठाव में अल के खेत सब जोती है आदमी सब एम एगो दमकल फिट हुए छोटका छोटका पार अही लगे खेत सब जोती देखियो अल के नजारा हम सब नदी में से कत ऊपर चल अली अभी एने एने बाटो सब है रास्ता विस्तारे विस्तारे चढ़ते जाए पड़ते ऊपर साथी सब हम सब ओल से अल ओल हे अल सीधे पुल देखा थे छोटका ओल एगो पुल है वो पुल से अल हम सब ओत ऊपर चल अल अभी एहन और चढ़ के देखियो लेकिन नजारा एहने घर एहने अल खेती सब हो फूल देखियो बाजे सब है हमरा जाए के वही गड्डी पर अभी 1 घंटा लगती शायद देखो अब जा रहा रास्ता देखियो केहन एहन रास्ता में आब पड़ी खेती करे के तरीका क्या मस्त है खेती हुई अल देखिए अहा सब एगो छोटका कुछो देखाई न हो न गाड़ी अहाँ के देखा हो तो कुछ एगो लंबा सीमेंट फैक्ट्री शिवम सीमेंट फैक्ट्री हेटौड़ा देखाई एत से वो नीचा खाही जिका बुझाए बढ़िया वो पहाड़ टूपो बुझाए वो के नीचा में हेटौड़ा है समझे के कर दे यार के बोली रहे ने समझी मेरो वीडियो वीडियो बनाए रहे के कसला हेराने तरुणी लाए कि आपने साली लाए भन
बुढ़ी लाई हिराउने म कता जानुहुन्छ लगी रहे हमीर हिराइसक्यो क्या हो देखी छे यहाँ पास कुच्चो वाला झाड़ू बनी भी है गाछी के एक देखियो सेम अपना सबके बाँस के तरह है गाछी एक झाड़ू बनबी छी बोले बनबी आ 50-60 रुपया में बेची कुच्चो वाला झाड़ू हम सब छी धर्म पानी एले से पीछे देखी छी सीधे पीछे काठमांडू जाए अही सब एले से 10-15 मिनट चलबी ने तो अहाँ के पकवानपुर गड्ढी हेतु देखे रहल छी पीच सीधे काठमांडू हेटौड़ा से काठमांडू नया बाय रोड नहीं नया बाटो बनल है मकपानपुर गड्ढी हो काठमांडू ली सातों बाटो निकल हम एक बाजी मात्र बाटो बाट आयल छी काठमांडू से हमर के लिए काम चली है अहिले से नीचा है कि तो हम सब आयल छी सातों बाटो से अगर गाड़ी पकड़ा है आ सीधे अल आब सके धर्म पानी लो चलू अगाड़ी देखबी से आब मकपानपुर गड्ढी जे 500 साल पुराना इतिहास है पृथ्वीनारायण शाह के ससुराली से यानी गड्ढी 2 किलोमीटर अगाड़ी तो माथी को गड्ढी है ऊपर ये देखियो अरे खाली चढ़ाइए गाड़ी सबके जान मर देखियो साउंड गाड़ी ये देखाए अब सनीचा में हेटौड़ा है देखियो आगे देखिए ये देखा है हमसे हेटौड़ा है नीचा में घर सब आ सब वो भगे ऋषि सीधी सीमेंट फैक्ट्री देखिए पहाड़ के डरे डरे पीछे जस्ट इस साइड में कच्ची रोड है ना के सीधे काठमांडू लैमा ले सीधे ना के यहाँ घूम के एना के वहाँ घूम के ना के यहाँ सब गड्डी जा सकते भी बाटो सीधे गड्डी जैसे माथी ऊपर अब हम सब जा रहा छी गड्डी ऊपर देखो ऊपर हम सब चले हट में भगवान के मूर्ति है चलो देखो कौन भगवान के मूर्ति देखी देखियो कौन भगवान की मूर्ति माता सरस्वती जगह लगी सरस्वती भगवान की मूर्ति है देखिए से केहन नजारा है देख में लगी देखियो फूल कस्तो सन्धि लागि रहेछ घुम्नको लागि त आएपछि तल के खेती छ यार उतातिर हाम्रो तराईको जस्तो नि खेती छ क्या सन्धि हेर्नु गहुँ गरेको यहाँ सब देखी छु नि चा उ खेत देखायो सबै गहुँ करले ल हमसब माथि जाइ छी अब ऊपर देखियो अत्यो पर हम जाइ कि टावर यते ऊपर वही लहे साथी सब केहनो कके थाक उक के भूखे प्यासे आ गई गड़ी देखा है अब गड़ी सुहे गड़ी है अब भीतर जाए देखी छी अहा सबके चलो अब कनिक देर के बाद गड़ी के अथी देखी छी पहले के महल केहन छे कि महल ना है ओने बहुते पुराना है 500 साल पुराना है तो धैस उसी गए आर्किटेक्चर केहन है पहले के बनावट केहन है कि सब है एक ठाव में देखी छी अहा सबके पहले कोनो आदमी होते तो पूछबे कोनो चीज जानकारी ले मेन भेल मेन प्रवेश द्वार ऐतिहासिक मकपानपुर सानो गड्डी प्रवेश द्वार देखो ये है इले लिखाए ले देखियो कथी यहाँ सब पढ़ लेब ये चीज लिखाए ले है और भीतर ही वहाँ सीधे जाए के एहन चीज है भीतर अला के बाद अहाँ ये सब देखो पहलका तो दरबार है 500 साल पुराना है पिकनिक सिकनिक कर आदमी सब अभी है तो भीतर जाने बाटो छे ना समझे कहाँ छे यो नहीं हेरन को लगी सेम यो नहीं हो हेरू यो भित्र के भित्र गए कस्तो के हेराउँछु हम दुईजना सानो गड्डी यस्तै नै हो एउटा त्यता माथि छ त्यहाँ त्यो माथि गएर हेराउँछु
एगो ऊपर गढ़ी मेन गढ़ी दरबार ई सानो गढ़ी छे से सेना उना देख के लगी देखो अपन से यहाँ के नजारा देखो यार केहन लगी खतरनाक है कि चलो हम अगर यहाँ सबके ठूलो गड्डी के सीन देखिए सानो गड्डी यहाँ के देखाइए दिली और देखिए ये एगो बात है कि हमारा सबके यहाँ सबके एगो इतिहास है 500 साल पुराना है 500 साल पुराना है एगो बात इतना आदमी सब रह चले अभी ठाव में 500 साल अगारी अभी तो हेटोटा एनर एनर आदमी सब चल गए बस्ती अभी है मरे लगे ठाव के सीन देखबी ना आए तो यार मजा है कि नजारा खतरनाक है अभी बेल तो चलो देखी अगारी ठूलो गड्डी में कथी सब है विराज दरबार में देखबी से अहा सबके कोनो कोनो ऐतिहासिक सामान सब भेटत अहा सबके जरूर देखा ल चढ़ते चढ़ते थाय गेल यार भूखो लगे भोरे निकल लिए कैंप से 12:30 बजे पहुँच लिए ल तो भीतर जाए छे हम ठूलो गड्ढी के भीतर सल्ला के गाछी आदमी सभी चलो ये भीतर जाए वाला रास्ता अहाँ सबके देखी जाए सीधे सीधे नहीं हमारे लात चिपली रहे यार देखिए यानी अगारी से देखो केना है कथी है देखी से भीतर जाके ये इनार है शायद पानी पिए वाला पहले का भीतर मंदिर है देखिए मंदिर है ऐतिहासिक मकवानपुर गढ़ी दरबार से संरक्षण चलो ये भीतर मंदिर भीतर रहा देखे पीछे एहन की चीज है भीतर एहन सिंह से भी देखे पहले का कहते हो घर में बस्नु हुन्छ नि पहले राजा बस्ने घर यही थे ये सब है पहले राजा सब बसी चल देखियो पुराना देखो मैं यहाँ की एहने फोटो सोटो खिंचा रहा है ऊपर से देखिए हम लगी देख पूरे गढ़ी मकवानपुर गढ़ी उतना तरुणी हर सब गढ़ी के नीचा नीचा यानी खदा खुन ले चारों घर से बीच में गढ़ी घर बनाएल गए ल भगवान महादेव के मंदिर है उतो पुरानो घर से यही सब होता है यही थोक है और कुछ नहीं है मतलब घर है वो मंदिर है पहले बसने वाला देखो इले नेपाल के झंडा है पहले नेपाल के नक्शा बनाएल गेल छे पहले की चीज लिखा है बागमती प्रदेश गंडकी प्रदेश लुबनी कर्णाली सुधर पश्चिमांचल ए मधेश प्रदेश लाई छाड़ दियो यार हमरो दुईवटा प्रदेश लाई के छ यो प्रदेश एक दुई गत देखाई रहे छ यार हितासम संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रीय नेपाल लिखेको छ यार ए लगे घर देखियो घर भीतर जाके देखबी छी
आके केहन कथी है रे यार तो पहले का चीज सब यहाँ घर यहाँ चल यार गड़ी दरबार लिखे हेर यो नहीं सानो सानो घर देखो छोटका छोटका घर सब है एहन कोनो चीज तो नहीं है ओहन बड़का एने छोटका छोटका घर सब है ऊपर देखी छे की चीज शायद कोनो इनार सिनार होले होते पहले पानी उनी जमा करके लगी बस देखो अल कथी है कौन चीज गेट है नीचा जाए के लगे चारों भर केहने बनाएल गए कि मन कुछ करते के लगे पास एगो चीज अहाँ सब देखे नजारा क्या मस्त यार देखो क्या मस्त है एत हाइट पर कि चारों भर देखिए अही साइड अहाँ के हटौड़ा भेल ई साइड अहाँ के अथी भेल आई साइड सीधे अहाँ देखे सिंधली भ जेतै सिंधली गड़ी ठक्के ई साइड ओ टुप्पो देखा अहाँ सबके अइ सीधे के टुप्पो से सिंधली गड़ी हेम देखो अल टावर है एकर व्यू भी एहने देख में चारों भर से एहने लगी देख में कोन अथी ने एगो पुराना ऐतिहासिक ठाउँ है एत चीज है मात्रे अल से नजारा मोर खतरनाक लगी देख में यार जे कहो ये लिखाएल है अहाँ सबके देखो अल पूरे इतिहास लिखाएल है इंग्लिश नेपाली दुनू में है अहाँ के हम देखा दे रोक के अहाँ वीडियो अहाँ पढ़ लेब अहाँ के प्रशस्त देखाई हेब देखो इंग्लिश में है लिखाएल अहाँ पूरे पढ़ सके कोनो बात न है हमें करबतियो देखा फोटो धो दे हजुर त्यो बाटो खने को दरबार में है ना त्यो दरबार में जाना वो माथी को ढुंगे गड़ी ढुंगे गड़ी त्यो माथी को ऊ माथी के टुप्पो देखी छी ने ऊ भगल ढुंगो गड्डी वही अहा के मारकाट वही काली महारानी के मंदिर छे और माथी और त्यहाँ और यहाँ दरबार दरबार छ इले सम राजा मेन यहाँ को राजा को राज बेलका गएर बास बस्ने ठाउँ चाहिँ वहाँ हो अन्डरग्राउन्ड को दरबार छ त्यहाँ म बास बस्ने यो ठाउँ थियो हैन यति नै हो यताको इतिहास पहिला कुन यता यो वंश कुन वंशीले बने यो सेनवंशी सेनवंशीले हैन सेनवंशी यो 13 औं शताब्दी भन्दा पहिलाको इतिहास हो यो दरबार उदाउटी फाल्टो कारागार जेल हजुर उदाउटी सानो एउटा ढोका देखियो त्यो आपतकाल द्वार यो मेन द्वार हो यता आसिने कृष्ण भगवान हो सेनवंशीको कुल देवता हजुर अनि यो यतापट्टि शिवजीको शिवालय मन्दिर भयो हजुर यो पाले परा हात हतियार राख्ने दरबार हो त्यो पानीको स्टोर पानीको यता केही हतियार सतियार छैन उता पहिले पहिले केही पनि छैन सुबाइटार ब्यारिकमा लय छ सङ्कट काल लागु भएपछि नि यहाँ राख्न सकेनन् लगे सबै यति नै हो हजुर ल थ्याङ्क यू सर नारे मरारे हे नाथ नारायण वासुदेवम वासुकी नन्द नायच नन्द गोप कुमाराय नमो नाथ नारायण वासुदेवम यो 13 औं शताब्दी मैले जानेको सुनेको कुरो भन्ने हो 13 औं शताब्दी भन्दा पहिलाको इतिहास यी सेनवंशी अब मकुन्द सेनका वंशहरू को यो स्थापना भनौँ न यो दरबार उतापट्टिको एउटा राजकाज चलाउने दरबार रहेछ अब हामीले बुझे अनुसार अनि उतापट्टि एउटा खाल्टो कारागार कैदी हाल्ने जेल भयो खाल्टो अनि उतापट्टि चाहिँ अब दुश्मन यहाँ छिर्यो भने भाग्ने आपतकालद्वार रहेछ यो पूर्व सानो ढोका छ बेलुका यहाँ राजकाज चलाउने अनि यसो अब यो तोपको निशाना भयो यो अनि यतापट्टि शिवजीको मन्दिर पानीको स्टोर खाल्टो पोखरी त्यहाँ स्टोर चाहिँ बोकाउने त्यहाँ जम्मा गर्ने ठाउँ रहेछ यो चाहिँ भएदेखि अब भएदेखि नै त भन्नु पऱ्यो नि यो चाहिँ मैले थपेँ है हात हतियार पाले पगारा यो रुम यो राख्ने घर रहेछ सेनवंशीका कुलदेवता कृष्ण भगवान् मानेका रहेछन् यो दरबार बन्नुभन्दा पहिला यो मन्दिर स्थापना रहेछ अब कसरी रहेछ भन्दा हामीले एउटा घर बनाउँदाखेरि भगवान् भनेर चाहिँ पुज्छौँ भने उहाँहरूले पनि त्यही गर्नुभयो मेरो चाहिँ विचारले होइन यो चाहिँ अलिकति फेरि अलिकति गाह्रेँ अनि दिनभरि राज्य यहाँ चलाउने
बेलुका गएर चाहिँ बस्ने अन्डरग्राउन्ड को चाहिँ दरबार छुट्टै रहेछ। अन्डरग्राउन्ड भनेपछि भित्र जमिन भित्र सुरुङ एउटा दरबारबाट पल्लो दरबारमा जाने सुरुङ त्यस्तो रहेछ। यो तपाईँको ऊ यहाँ अहिले देखिएछ ऊ त्यो नयाँ बाटो ऊ त्यहाँ नयाँ बाटो भने दरबार डाँडा भनेर लेखिएको छ। त्यहाँ घर पनि मेरो त्यहीँ नै हो, त्यहाँ 20 मिनट जति लाग्छ पैतालो। अब हामी त बाह्र साह्र नै चढाउँछौँ त्यो दरबारतिर। अलिअलि 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 छन् रुखहरू छ, त्यहाँ चाहिँ पुरातत्त्वले हेरिदिएको छैन, त्यहाँ पनि हेरेको छैन, मेरो लागि यहाँ पनि हेरेको छैन। अब यो महल उनीहरूकै बनाउँदा ठिकै छ, हाम्रो नेपालमा केही हुनेवाला चाहिँ छैन। तै पनि यो साह्रै हेला भयो, यहाँको झेडा अवस्था भयो, यो मलाई चाहिँ रुनु मन लाग्थ्यो। किन भन्दा यत्रो दुःख गरेको ठाउँमा हाम्रो पुर्खौली भनौँ न एउटा राज्य छुट्टै अलगको राज्य, यो मकानपुर राज्य छुट्टै, यो 24 राज्यमध्येमा यो। अनि म यहाँ अब 20-25 वर्ष भयो, 36 सालदेखि यो ठाउँमा आएको डुमुरकुना हुर्क्याउनुमा। यहाँ आउँदाखेरि दुई पाथी 20 माना बर्कौँला झिक्नुपर्ने भगवान्को मन्दिरबाट, होइन यहाँ कसैले नै हेर्ने, अब आए खाइदिने, होइन यहाँ आएको स्रोत यहीँ लागिदिउन् सकी थपिदिउन्, त्यो उद्देश्यले म यहाँ पुजारी बस्दैन भनेर मलाई 1 वर्ष पहिल्यैदेखि कुरो आएको थियो। भगवान्ले जहिले रुझाउनुहुन्छ त्यहीले जान्ला भन्दाखेरि मलाई दबाबसम्म आयो। तपाईँ कि त्यो ठाउँमै नबनाउनु होइन भने बनाउनु छोरो त्यो मन्दिरमा हेरिदिनुहोस्। बाउले सायद बोलाएछन् जान्छु भन्दै गएपछि बल्ल अहिले गाउँपालिकाले जिम्मा लियो। जिम्मा लिइसकेपछि तलब कति खान्छस् भनेर सोध्न आएँ, मलाई 1 रुपियाँ चाहिँदैन, आए स्रोत तिमीहरू नै जिम्मा गर, म बाँच्छु आधार भगवान्को पाउमा राखेर तिमीहरूले नखोज, म बाहिरको कला छुट्टै हुन्छ, मेरो दानपेटी शुद्ध तिमीहरूलाई नै भनेर म त्यस्तो नियुति भएर म यहाँ बसेको। नियुति पत्र हेर्दाखेरि हाँ दिनुहुन्छ हजुरहरू, त्यो हान पनि चाहिँ छैन, मेरै अनुरोधले त्यस्तै बनाइदिएँ। प्रमाणपत्र लिएर यहाँ बसेको छु, यसो सरसफा गर्छु। 2 जना कर्मचारी भने बल्ल 1 जना देखान्, अब प्लास्टिकै नै ठिक हुँदो रहेछ 1 जना काको फाँड्न चाहिँ साथी छ। अब म आफ्नो गन्तव्यतिर हिँडिरहेछु, त्यहाँको पुरै ब्लग सलग बनाइदियो त। अगर तपाईँहरूले मेरो ब्लग हेर्नुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक सेयर गरिदिनु। हामी यस्तै नै नयाँ नयाँ ठाउँ र नयाँ नयाँ हाम्रो नेपालको इतिहास ठाउँ के कस्तो छ हामी सबै हेराउँछौँ बिस्तारै बिस्तारै। हाम्रो उद्देश्य हो कि नेपालमा जुन सुखै ठाउँ राम्रो भएको हाम्रो नहेरेको मान्छे त्यस्तो ठाउँलाई म हेराउँछु, जाए गएर राम्रोसँग उताको के कस्तो अवस्था छ सबै म हेराउँछु। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानल हेर्नुहुन्छ भने एकचोटि लाइक सब्सक्राइब अनि सेयर गरिदिनु होला प्लिज, म त्यतिकै भन्छु। अगर अहाँ सब देखि छ हाम्रो च्यानल मैथिलीमे, हाम्रो ब्लग मैथिलीमे हब, अगर अहाँ सब देखि छ लाइक सब्सक्राइब कर दू यार। एते मेहनत छ यार, पैदल अइले कि कथी कहू, हम कल के 1 घंटा है, 1 घंटा मात्र लगते यार, की जाने के लिए 2.5 घंटा लग गए हमरा सबके पैदल घूमते घूमते, नहीं कम तो हमरा ओहि ठाउँ पर से एहि ठाउँमे आबके लागि हमरा 35 किलोमीटर चलल पड़ल ग 35 किलोमीटर ल। तो हम अतने कह चाहे छी, अहाँ सब देखी छी ब्लॉग तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दू, और हम इहे कह चाहे छी तो ल हम तो ब्लॉग एंड करै छी। एहि ठाउँ केहन लागल जरूर कमेंट करब, कला कि अपन नेपाल के इतिहास है, 513 शताब्दी से इतिहास है नेपाल के, से बात अहाँ सब देखब। जरूर कमेंट करब केहन लागे ब्लॉग हमर, जरूर साथी सब कमेंट करब।